हेलो दोस्तों, आप सब लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं जो यानी कि चैनल स्टार्ट किए हैं, दोस्तों जो स्टार्ट करना चाहते हैं ये सारे लोग को यानी कि ये अपडेट जानना और सुनना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप गलती करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी यहाँ पे यानी कि स्टार्ट करते हैं यूट्यूबर यानी कि नए यूट्यूबर होते हैं, वो स्टार्ट करने से पहले गलती मतलब नहीं जानते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या गलती नहीं करना चाहिए, क्या गलती करना चाहिए, मतलब जिससे यानी कि यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगा। दोस्तों ये सारा आप लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को इससे भी अच्छी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को नया जो अपडेट आया है दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या होता था कि जब अगर आप लोग यानी कि मोनेटाइजेशन ऑप्शन में जाते थे तो दोस्तों आप लोग को ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता था। दोस्तों वहाँ पे आप लोग क्या होता था कि आपका यानी कि सब्सक्राइबर देखने को मिलता था और वॉच टाइम घंटा आप लोग को देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, अब यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर आपके यहाँ पे कोई भी वीडियो पे स्ट्राइक आया है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी स्ट्राइक आएंगे दोस्तों उसका सेक्शन आप लोग को अलग दिखाई देगा इस प्रकार से। दोस्तों आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये जानना जरूरी है। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा अपडेट ये आया दोस्तों कि आप लोगों यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन, दोस्तों यूट्यूब का अभी मतलब अपडेट आया दोस्तों कि इस अगर आप लोग कम्युनिटी गाइडलाइन का फॉलो नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है और बहुत यानी कि बहुत सारे आप लोगों को दिक्कत को झेलना पड़ेगा। दोस्तों ये सारे आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या दोस्तों, अगर आपके जो भी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है दोस्तों, उसको आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे आप लोग कॉपीराइट क्लेम के ऑप्शन पे जाके वहाँ पे आप लोगों को एक्शन लेना होगा। अगर आप लोग एक्शन लेते हैं दोस्तों, अगर आपका यानी कि बाई चांस वहाँ से रिमूव हो जाता है तो दोस्तों बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा है। दोस्तों अगर नहीं रिमूव होता है तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ी यानी कि प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे वीडियो को आप लोग क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसे वीडियो को आप लोगों को डिलीट करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे डिलीट कब करना चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों अभी तो आपका यानी कि 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे हुए हैं, अगर आपके वॉच टाइम भी नहीं पूरे हैं तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि 90 दिन तक आप कोई यानी कि वीडियो नहीं बनाना है दोस्तों, नहीं अपलोड करना है, बस ये सारा आप लोगों को नियम फॉलो करना है। दोस्तों आप लोगों को यानी कि 90 दिन तक आपको अपने चैनल को छोड़ देना होगा, तभी आप इस यानी कि स्ट्राइक से बच सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ जो यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन का यूट्यूब का आया है दोस्तों अपडेट, ये मतलब आप लोग कैसे यानी कि रिमूव कर सकते हैं और कैसे आप लोगों को नियम को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि जब आप लोग मोनेटाइजेशन के समय आप लोग अंडर रिव्यू में अपने चैनल को भेजिएगा, उस वहाँ पे आप लोग क्या करना है दोस्तों कि आपके जितने भी वीडियो पे यानी कॉपीराइट क्लेम आए दोस्तों, उस वीडियो को क्या कीजिए कि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए आप लोग भेजिएगा तब आप लोग वहाँ पे जितने भी कॉपीराइट क्लेम आए दोस्तों उस यानी कि वीडियो को डिलीट करना होगा, तभी आपका यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन होगा। वरना नहीं दोस्तों आप लोग लाइफ टाइम तक आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और कभी भी आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारा आप लोगों को प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इससे भी अच्छी जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।